यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जी हाँ, क्योंकि अब मुरादाबाद से लखनऊ कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकेगा। दरअसल रोजा रेलवे स्टेशन से लेकर सीतापुर रेलवे स्टेशन तक डबल लाइन का कार्य पूरा हो चुका है और इस रेलवे ट्रैक पर 100 किलोमीटर घंटा ट्रेनों के संचालन की अनुमति भी मिल गई है, जिसके बाद से मुरादाबाद से लखनऊ की दूरी ट्रेनों द्वारा तय करने वाले यात्रियों को समय की काफी बचत होगी। आपको बता दें कि मुख्य संरक्षा आयुक्त उत्तर परिमंडल शैलेश पाठक ने रोजा सीतापुर सिटी रेल खंड के नेरी स्टेशन से जग बहादुरगंज स्टेशन के मध्य नई बनी अप रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा नेरी स्टेशन, मैगलगंज, जहानीखेड़ा स्टेशनों का भी जायजा लिया गया। वही मुख्य संरक्षा आयुक्त ने इन स्टेशनों पर स्टेशन भवन, कंट्रोल पैनल, एफओबी, रेलवे लाइन, रेलवे ब्रिजों, प्लेटफॉर्म आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुख्य संरक्षा आयुक्त ने नेरी स्टेशन से जंग बहादुरगंज स्टेशन तक 140 किलोमीटर घंटे से स्पीड ट्रायल किया। स्पीड ट्रायल के उपरांत मुख्य संरक्षा आयुक्त ने नई बनी अप मेन लाइन को 100 किलोमीटर घंटे से ट्रेन परिचालन की अनुमति प्रदान कर दी। ये निरीक्षण जो किया गया था, ये सीतापुर रोजा खंड में डबलिंग हुई थी लाइन की। पहले एक सिंगल लाइन चल रही थी और 24 किलोमीटर की डबल लाइन बनाई गई। उस डबल लाइन को हैंडओवर करने से पहले एक ऑफिशियल प्रोसेस है, जिसके लिए मुख्य सुरक्षा आयुक्त आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ट्रायल करते हैं, वही किया गया और ये लाइन अब हम ऑपरेशनली फिजिबल हो गई है। ये ऑपरेशन करने के लिए अब हमको मिल गई है। इस डबलिंग से फ़ायदा होगा कि गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो तेज़ी से होगा। जहाँ एक लाइन थी, अब दो लाइन हो गई है, तो टाइम कम लगेगा, यात्रियों को सुविधाएं होंगी। जो मालगाड़ियाँ हमारी हैं वो पर्याप्त टाइम पे अपने गंतव्य तक पहुँचने में थोड़ी सी मदद मिल सकेगी। ये जनरल इंस्पेक्शन था, ये फॉर्मेलिटी है, इसके लिए इस स्टेशन को खोल दिया गया है।